दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर विजयदशमी पर पुलिस के सामने 1,00,000 रुपए की 4 इनामी नक्सलियों समेत 32 ने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आ चुके थे। दंतेवाड़ा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि अभियान के तहत गांव-गांव में नक्सलियों का बैनर पोस्टर लगाकर लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए अपील की जा रही है, जिसके तहत नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली अति संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए उनकी पहचान उजागर नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के द्वारा सभी समर्पित नक्सलियों को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई है। SP ने कहा कि अब तक 150 माओवादी नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। आज 32 नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 6 इनामी नक्सली हैं। अब टोटल 150 नक्सली आज के दिन सरेंडर हुए हैं। अभी तक लोन वराटू अभियान है, पिछले 3 महीने में 150 नक्सली सरेंडर हुए, जिसमें कि 42 जो है वो इनामी नक्सली हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आज विजयदशमी के दिन 32 लोग जो है भटके हुए रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो कि नदी पार के लोग हैं, जहाँ पे पुलिस का कोई पकड़ नहीं था। गांव जो सरेंडर होता था वो जिसका नाम बताता था उसके नाम पे अपराध खुल जाता था, उनके नाम पे अपराध चढ़ जाता था। इन सभी लोगों ने जब हमें लोन वराटू पुस्तक छापी तो उसमें अपना नाम देख के सरपंच के माध्यम से, पंचों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जो शिक्षक हैं, मितानीन हैं, उनके माध्यम से आके उन्होंने संपर्क साधा थाने के साथ और आके आज लोन वराटू अभियान में सरेंडर किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।